हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो बताने वाली नेविगेशन बटन को कस्टमाइज़ कैसे करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन बटन है। आप चाहते बैक वाला बटन मारे, इधर लेफ्ट साइड मारे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको नेविगेशन बटन का यूज़ करना होगा, कस्टमाइज़ करना होगा उसे। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी। मेरे पास है ओप्पो A9 2020। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का ऑप्शन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको सेकंड इंटरफेस नजर आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको कन्वीनेशन ऐड पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको नेविगेशन कीज पे क्लिक करना है की। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा ये कैसे कस्टमाइज़ हो रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के कस्टमाइज़ होंगे सारे। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप ऐसे ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो ये पैक होता है, ये इससे ऐसे वो वाला, ये वाला ऑप्शन आते हैं तो ये इस वाले में नहीं आएंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यही लगाना चाहूँगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप यहाँ से पैक कर लें, आपका ये सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको वैसे दूसरा करके बता देती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको ये पसंद है तो यहाँ से पैक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कैसे ये सेट हो चुका है। होम करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। और दोबारा हम सेटिंग में जाएंगे इसके लिए, और इसके बाद कन्वेंशन ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर नेविगेशन की पर, और यहीं से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे ये पसंद है तो यहाँ से बैक करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा अब ये कस्टमाइज़ हो चुका है। ये बैक वाला पहले मेरा इधर था, अब इधर चला गया। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक है, नमस्कार।